फाजिल्का के सीमावर्ती गांव दोना नानका में बिजली के ट्रांसफार्मर से करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि वे अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए लाए थे, जिनमें से एक भैंस वहां लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के पास करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद उन्होंने ट्रांसफार्मर की बिजली को काट कर उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उसे बचा नहीं सके। उन्होंने उनकी भैंस की मौत के कारण हुए आर्थिक नुकसान के लिए प्रशासन से वित्तीय सहायता दिए जाने और जल्द ही ट्रांसफार्मर और बिजली की तारों की मरम्मत करवाने की मांग की है। यह ऐसा हुआ है, करीबन दो कुदे टाई दिन विचकार वाटर बक्स वाली मोटर सड़ी भी सी, तो इतने पानी पियान आया सी मझा ये लाइट आई सी करंट आता सोचते थले इन्हों बिजली लगे भी क्या दो तीन बारी भी इन्हें करंट आता है, तो उन्होंने बस नहीं होनी किसी की गौर नहीं करी ये बारे, तो इतों मझा लंघिया जाती सी चढ़न लगी तो वो उन्हें शांट मारी यकदम तो लाइट मज की मौत हो गई है। मैं हूँ मुल लैके आया सी 70,000 की लेंदी है, हो गया 10 दिन अगे भी पहला दुध नहीं है सी बिजली वेक मेले लापरवाही करते उन्होंने नाकामिया ने दो तीन बार अगे भी कहा भी सगा भी इनू तुम वेखो चंगी तरह की गौर करो च कोई बंदा ही को लंघ पैंता या किसी होर बच्चे लाइट लग जाए ना जी ना एक पोल विचाले है लै सड़क के विचाले वह भी नहीं इन्हों दो तीन बार कहा इन्होंने नहीं मनी किसी की नहीं हूँ तो मज नहीं लगे तो वैसे एक दिन अगे लगे झटका अगे और भी बंद भी कहते मैं लाइट लगी जब करंट आ दफ्तर अपने ग्रिड च भी गए थे महात्मा नगर चन तो यह मांग करते हैं भी जो बनती कार्रवाई इन्हें की जाए तो सू मज का कोई मुआवजा दिता जाए माली मत साढ़े करी जाए छोटे छोटे बच्चे आ जी बिजली आने लापरवाही करके जी करंट ही आता सी ता ही मज मरी है बेच देख लो पोल बेच गए सड़क के विचाले गरीब परिवार है बनती कारवाई की प्रशासन का ही मांग कारवाई ये बिजली बोर्ड आलिया की जाए हां जी अणगहली तौर ते की जाए आए थे कह गए बस एवं सुच कटिया करके आई है मज नाल बाकी इस तरह नहीं मतलब ये करंट विच आता सी मरी तो करंट नाले कहते सिंगल आया 100 गल करते चले गए।